सारिया तो पहले मैं तुहानू सारिया नू अपने चैनल सुपर इंटरटेनमेंट तो खुशामदीद दा पैगाम दे रही हाँ। सो कबूल है तुहानू एक कबूल है सलाम मरियम दा। मेरे वालिद साहब ने पूरे मुल्क की खिदमत की है, आप हिक थेला नहीं रखिया, लेकिन तुहानू सारिया नू खूब लुटाया। तुसी सारे अपने ईमान नू हाजिर नाजर जान के मैनू दसो के मियाँ साहब का ये जड़ा वड़ा बूथा है, इस तो तुहानू लगता है कि मियाँ साहब ने धांधली करके इलेक्शन जितया सी पिछली वारी? जे धांधली ही कीती सी ते हुण क्यों ना जिते असी? साढ़े दौरे हुकूमत इच कोई गरीब नहीं सी, बल्कि सारे बहुत ही गरीब सन। तुहानू दो वक्त दी देखी, एक वक्त दी भी रोटी नहीं मिलती सी, लेकिन तुसी सारिया साढ़े नाल तावन कीता। मियाँ साहब दा वड़ा मुंह वेख के तुसी साढ़े नाल टुरे, तुसी कदी भी साढ़े खिलाफ कोई गल नहीं कीती, बल्कि एक अच्छा पाकिस्तानी शहरी होन दे नाते तुसी हमेशा साढ़ा साथ दिता है। इस बार मैं कहना चाहती हाँ कि साढ़े नाल मियाँ साहब दे नाल मामूली नहीं बल्कि बहुत वड्डी धोखेबाजी हुई है। एक मियाँ साहब ते एक उन्हां दा मुंह, दोवां नू देख के तुहानू लगदा है कि मियाँ साहब एक हरामी आदमी ने, बल्कि उन्हां ते अपने पेट नालों भी ला के पाकिस्तानी अवाम नू दित्ता है। खाना नहीं बनियान दी गल कर रही हाँ, पेट से ते बनियान ही होंदी है ना, समझिया करो बोलियो की हो गया तुहानू, कुछ अकल नू हाथ मारो ते मियाँ साहब नू दोबारा इलेक्शन जितवाओ ते आप भी मजे करो ते सानू भी फ्लैट बनाउन दो। मैं अपने वालिद साहब मियाँ साहब दी शान इच कसीदे नहीं पढ़ रही, मैं इधर तुहानू दसना चाहती हाँ कि मियाँ साहब ने किसी दा कुछ नहीं बिगाड़िया। मियाँ साहब कोलो ते अज तक मक्खी नहीं मरी, उन्हें आवाम दी दिल नू कीवें मारना है। अज मैं तुहानू अपनी एक कहानी दसा, जिस टाइम मैं छोटी सा ते मेरे वालिद साहब ने मैनू कहा कि मरियम बेटा जिस टाइम तू वड्डी हो से मैं तेनू गलत काम तो दूर रखसा ते अपने मुल्क दी खिदमत करन लई वक्फ करसा। फिर मैं हुण आके अपने अब्बा जी को सवाल किया कि मियाँ साहब किधर गया वो दौर, किधर गई वो गल्ला? मैं ते वड्डी भी हो गई फिर भी तुसी मैनू मुल्क दे वास्ते वक्फ नहीं किया, लेकिन फिर भी सफ्तर नू दबा के रखिया है। सफ्तर नू मैं कहा है कि तू बन जा बंदे दा पुत्तर, जे तू रहना है मेरे नाल ते तू लग जा मेरे पिछे। मजाल है जे सफ्तर उस तो बाद मैनू तू तड़ाक नाल गल कीती होए, मैं सफ्तर नू लमया पा दिता। मैं उन्हूं कहा कि मैं जो करना है वो मैं करना है, किसी दा प्यो भी आके मैनू रोक नहीं सकदा। ते ऐने मुल्क दे हालात, अज मैं इतनी वड्डी चीज़ होके खड़ी हाँ। जी बोलो जिस बोलना है। ए पाजी मरियम, सानू भी दसो किवें तुसी अपने शोर नू डरा धमका के रखे है, मतलब डरदा है तुहाडे सी कि बस एवें ही भरम मारते हो? एक मिनट मैं तुहानू दसदी हाँ। मरियम जी तुसी वड्डे हो या सफदर जी वड्डे ने, लेकिन तकड़ा इस ते लगदा है कि तुसी बिल्कुल 2 साल दे निक्के जे बच्चे हो ते सफदर बहुत वड्डे ने, इस गल दा जवाब दसो। तू मेरी पुत्री मैनू जरा अकेले विच मिल, तेरा मैं करदी हाँ बुरा हाल ते तेनू मैं दसदी हाँ, तेनू मैं दसा ओ टिप्स खावंद नू हाथ च करन दी जेड़ी कदी तेरी माँ ने भी तेनू नहीं दिती होनी। तेनू घबराण दी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। करो अगला सवाल। मरियम जी तुहाडा एक ख्वाब सी कि तुसी वजीरे आजम बनना है, ये ख्वाब सी तो की मुराद है? मैं वजीर आजम बन सा तो तुसी वेख सो कि मैं किंज मुल्क दे हालात बदल दियाँ, जज्बात बदल दियाँ ते मुल्क दी आवाम नू बदल दियाँ।
ते हर एक दी बीवी नू ऐ सिखासा के सफदर वर्गा अपना शोर बनाओ ते उन्हूं अगे लाओ। अप्सरा उर्दू में बात करते हैं क्योंकि मेरी पंजाबी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं पूरे पाकिस्तान की लड़कियों के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेजेस बनाना चाहती हूँ जहाँ पर जाकर लड़कियाँ पढ़ाई नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी और अपने आप को नौजवान दिखाने के लिए नित नए तरीके अपनाएं और मुल्क के तमाम नौजवानों के सामने अपने जलवे दिखाएं। लेकिन इस बात का मकसद ये नहीं है कि आप मुझे भी दो नंबर समझो। मैं एक नंबर हूँ, बिल्कुल खालिस, और मैं ऐसे ही पैदा हुई थी, खूबसूरत और जवान। अगला सवाल। ए अपना मरियम पाजी, मैं भी तो हाड़े हाथ जवान होना चाहती हूँ। ब्रेक लगाओ, चुप कर जाओ, क्या बातें लेकर बैठ गई हो तुम भी ज़रा मुझसे अकेले में मिलो, तुम्हारे भी सारे ख्वाब पूरे कर दूंगी एक एक करके, फिक्र नहीं करनी, मरियम सब करेगी। अब मैं आप सब लोगों को एक मशवरा देना चाहूँगी। ये मैसेज उन तमाम लड़कियों के लिए है जो कहती हैं कि वो भी मरियम नवाज़ की तरह खूबसूरत दिखे। उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के वालिद मोहतरम को भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना पड़ेगा, फिर धांधली करनी पड़ेगी, पैसा लूटना पड़ेगा, लंदन में जाकर अपने फ्लैट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर आप लोगों का ये ख्वाब पूरा हो सकता है। जी अगला सवाल। बल्कि रुको, मैं बता लूँ, प्लास्टिक सर्जरी वाला ख्वाब और कोई ख्वाब मत समझ लेना। जो जो लड़की चाहती है कि वो मेरी तरह खूबसूरत दिखे, उसके वालिद मोहतरम को पहले मुल्क का वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को लूटना पड़ेगा। जी बोलो मेरी बहन। ऐसे सवाल नहीं करने, तेनू ते मैं आके दसती हूँ, रुक जा जरा तू। हाय अल्लाह मरियम पाजी, तुहाडे ते हाथ भी बड़े सख्त ने, कुट के रख दिता ने, मैनू विल के रख दिता ने। मैं सारियां नू कहना चाहती हाँ, मरियम बाजी वाकई बड़े खूबसूरत ने, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई ना। बस मैं ये कहना चाहती हाँ बाजी, बहुत अच्छी बात की है तुमने, मेरा दिल खुश हो गया कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल सच बोलती है, सच्ची आवाम है, इसी वजह से मियां साहब को आपसे बेपनाह मोहब्बत है। हमें चोर कहने वालों अपने गिरेबानों में झांको, तुम लोग कोई दूध के दूल्हे नहीं हो, मियां साहब ही थे जो इस मुल्क को चला रहे थे, अवाम को खुश कर रहे थे, हर एक का दिल जीत रहे थे, यहाँ तक कि अपनी औलाद के लिए भी फ्लैट्स बनाए, उन्हें भी खुश किया। इसके साथ ही टाटा एंड बाय बाय। रुको, और आपने सुपर एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है।